करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को आज संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। रेवाड़ी, अंबाला और कुरुक्षेत्र में रैली का आयोजन है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में नायब सैनी के लिए वोट की अपील करते हुए जनता के बीच आज नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा और इस दौरान 3 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें 3 रैलियां आज रहेंगी गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 3 रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि अब चुनाव प्रचार के लिए वक्त जो है वो बेहद कम बचा हुआ है। ऐसे में लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा चुनाव प्रचार में। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा रहेगा और 3 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी दौरा कर चुके हैं, हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हो चुका है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्याम बाडला हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले श्याम बाडला, आपका रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी हालांकि वो दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार का जो दौर है वो बहुत कम बचा हुआ है और इस बीच जनता को साधने की जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई समय को लेकर जानकारी दे, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ किस तरह से कार्यक्रम रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका काफी अहम दौरा माना जा रहा है ये रेवाड़ी को लेकर, और रेवाड़ी के अंदर 3 विधानसभाएं आती है, रेवाड़ी, कोसली और पावन। अब तीनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। 12 बजे रेवाड़ी पहुंचेंगे अमित शाह और 12:10 पर आयोजन स्थल के मंच पर वो पहुंच जाएंगे। जहां तक बात करें यहाँ के माहौल की, तो पुलिस के पुख्ता प्रबंध के लिए व्हीकल को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और रेवाड़ी में काफी जोश है अमित शाह के इस दौरे को लेकर, लोग काफी उत्साहित है, अभी ही रैली स्थल पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। जी ठीक है राजीव, कुरुक्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर क्या जानकारी है, कहां पर कार्यक्रम होने वाला है, कितने बजे कार्यक्रम होगा, कितनी देर तक गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और कितने विधानसभा क्षेत्रों को इस दौरान कवर करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि चुनाव प्रचार का जो अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है बिल्कुल बहुत अहम है। और कुरुक्षेत्र जिले की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की जो 4 विधानसभाओं को साधने के प्रयास करेंगे, थानेसर, पेहवा, शाहबाद व लाडवा। लाडवा की यदि बात की जाए तो लाडवा सीट जो है सबसे अहम है, सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है ये दौरा जो है संजीवनी साबित होने वाला है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है और आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद जो है समय की यदि बात की जाए तो समय लगभग 4 बजे इस रैली का निर्धारित किया गया है और लाडवा में जो है ये रैली आज आयोजित हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और रेवाड़ी की अगर बात की जाए श्याम बाटला, चूंकि आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए जब अंतिम दौर चल रहा पहुंच रहे हैं, ऐसे में इस वक्त जनता के बीच चुनावी लहर की अगर बात की जाए तो क्या चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, रेवाड़ी के अंदर 3 विधानसभाएं आती हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी, और तीनों विधानसभाओं में हर प्रत्याशी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये चुनाव उन्हें किसी भी कीमत पर जीतना है और प्रदेश के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है। आज अमित शाह का दौरा जो रेवाड़ी के अंदर है काफी अहम माना जा रहा है और तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्य रूप से यहाँ शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जो जोश की बात करें तो काफी उत्साह है। अभी से ही लोग रैली स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अब देखना यह होगा क्योंकि पहले नायब सैनी भी रेवाड़ी में आ चुके हैं और अब आज तीनों प्रत्याशियों के लिए, बावल, कोसली और रेवाड़ी विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उनके आने से कितना फर्क पड़ता है, लेकिन मुकाबला जरूर टक्कर का माना जा रहा है तीनों विधानसभा में। ठीक है राजीव, अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शंखनाद किया था चुनावी प्रचार का और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, कितने विधानसभा क्षेत्रों को इस दौरान कवर करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है चुनावी शंखनाद किया था 14 सितंबर को, जो है ये चुनावी शंखनाद कुरुक्षेत्र के थीम पार्क से हुआ था। उसके बाद जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, तो जो 4 विधानसभाएं हैं पेहवा, शाहबाद, थानेसर व लाडवा, यहाँ जो है कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी टक्कर है और इस कहीं भी तिकोना मुकाबला नहीं है। तो ये डायरेक्ट फाइट जो है आज जो गृह मंत्री का दौरा है उससे जो है उनके लिए जो काफी लाभकारी सिद्ध होगा। जो थानेसर से यदि बात की जाए तो थानेसर से जो है पूर्व मंत्री सुभाष सुधा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा पेवा की यदि बात की जाए तो पेवा से जो है प्रत्याशी जय भगवान है। उसके अलावा शाहबाद से सुभाष कुलसाना, और जो लाडवा की यदि बात की जाए तो लाडवा में जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी है, तो उनके लिए जो है आज का ये दौरा कहीं ना कहीं वरदान संजीवनी साबित होगा। शाम अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट देखने को मिल रही है? क्योंकि इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ताल ठोकते हुए जीत का दावा किया जा रहा, सरकार बनाने का दावा किया जा रहा, लेकिन जनता के बीच जमीनी मुद्दों को लेकर इस वक्त कौन कौन सी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस के प्रत्याशी है चिरंजीव राव और उनके पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जो रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके हैं और विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। और दूसरी जगह है जो रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, पहले कोसली से 5 साल वो विधायक रहे भाजपा के अंदर, लेकिन इस बार उनका कोसली से टिकट काटकर रेवाड़ी दे दिया गया और रेवाड़ी टिकट देने को लेकर काफी चुनौतियां जरूर उनके सामने है, क्योंकि उनकी पकड़ कोसली विधानसभा पर थी, रेवाड़ी पर उतनी पकड़ उनकी नहीं है। तो ऐसे में जो मुकाबला है, टक्कर है, वो सीधे सीधे चिरंजीव राव कांग्रेस प्रत्याशी और लक्ष्मण यादव के बीच में ही माना जा रहा है। हालांकि आप पार्टी के भी प्रत्याशी है यहाँ पर सतीश यादव, लेकिन सतीश आपका यहाँ पर कोई वजूद देखने को नहीं मिलता, तो लगता है कि सतीश यादव अब तीसरे नंबर पर हो गए। सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के अंदर ही है। और यहाँ के मुद्दों की बात करें तो मुद्दा जो भाजपा अपने 5 साल के कार्यकाल के समय के अंदर जो काम किए, सबसे बड़ा काम जो एम्स रेवाड़ी को मिला, सबसे बड़ी सौगात एम्स रेवाड़ी को मिला, और शायद यही कारण है कि रेवाड़ी के लोग भाजपा की तरफ ज्यादा रुख करते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल राजीव, अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए वहां के जनता के जमीनी मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस वक्त जनता अपना वोट डालने के लिए निर्णय लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि इस वक्त जो चुनावी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में वहां पर साथ ही ये भी बताइएगा कि चुनावी जातीय समीकरण किस तरह से कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है, साथ ही लोगों के जमीनी मुद्दे क्या है। जी बिल्कुल, देखिए यदि चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी व अपराध जो है वो यहाँ मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा स्थानीय मुद्दों की यदि बात की जाए तो लाडवा की यदि बात की जाए तो वहां पर जो है रिंग रोड, थानेसर की यदि बात की जाए तो यहाँ भी जो है रिंग रोड जो बाईपास है वो बनना है। हालांकि जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि जो यह रिंग रोड बनेगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत में जो है यह रिंग रोड कब तक बनेगा ये जो है जनता को आस है। एलिवेटेड ट्रैक जो बनाया गया है वहां भी अभी जो है ट्रेन चलनी शुरू नहीं हुई है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा।
इसके अलावा जातीय समीकरण की यदि बात की जाए तो थानेसर सीट जो है जो पंजाबी बाहुल्य मानी जाती है, उसके अलावा यदि लाडवा सीट की बात की जाए तो लाडवा में जो है जो जाट बिरादरी के लगभग 42,000 मतदाता हैं और सैनी बिरादरी के लगभग जो है 37,000 मतदाता हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों बिरादरी के मतदाता जो है अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है जातीय समीकरण से ऊपर हटकर जो है जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो इन चुनावों में जो है हावी दिख रहे हैं। रेवाड़ी में अगर बात की जाए श्याम, तो वहां पर चुनावी समीकरण की जानकारी आपने दी, लेकिन जातीय चुनावी समीकरण किस तरह से नजर आ रहे हैं? श्याम आवाज मिल पा रही है आपको? तो शाम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए श्याम और राजू आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें आज 3 रैलियां उनकी रहेंगी और इस बीच चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार के लिए बेहद कम वक्त बचा है।